छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया गया। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर धमतरी जिले के रुद्री स्थित रक्षित आरक्षी केंद्र परिसर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शहीद स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया गया। साथ ही जिले के 39 शहीद जवानों के चित्रों पर पुष्प वर्षा कर उनकी शहादत को याद किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धमतरी जिले के कलेक्टर PS अल्मा, SP प्रशांत ठाकुर सहित पुलिस परिवार शामिल हुए। इसके साथ भूतपूर्व सैनिकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शहीद समारोह में शामिल हुए, तो वहीं ग्राम भंवरमरा के शहीद सैनिक केशव निषाद की माता जी भी समारोह में उपस्थित थी, जिन्होंने बताया कि उसका पुत्र जम्मू कश्मीर में पदस्थ था, जो सन 2006 में शहीद हुए, लेकिन राज्य शासन के द्वारा आज तक उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिला है, जिसके लिए वह कई वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर दर भटक रही है। आज शहीद दिवस है और हम लोगों ने सब मिलकर पुलिस लाइन में जो शहीद हुए हैं भारत अपने देश के प्रति, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में एक वर्ष के जितने भी शहीद हुए हैं, यहाँ पर जो हमारा पुलिस परेड ग्राउंड है, आज हम लोगों ने उसको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और पुलिस अधीक्षक जी ने आज शहीद स्मारक के समक्ष सभी देश के शहीद हुए, एक वर्ष के शहीद हुए हैं, उनका वाचन किया है। और सभी हम लोगों ने आज हमारे देश के लिए शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन भी जवानों को सत सत नमन करते हुए आज इस शहीद दिवस के परेड में हमने उन्होंने सब लोगों ने मिलकर एक श्रद्धांजलि दी। ये वैसे हमारे वीर हैं जिनके बलिदान पे, जिन्होंने सीना ठोक कर हर दुश्मन के सामने खड़े होकर अपने जान को बगैर कोई सोचे जान गंवा दी, और आज हमको इस जगह सुरक्षित थी। मैं इन सबको सादर नमन करता हूँ और विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और सत सत नमन करता हूँ। धमतरी जिले में लगभग कितने शहीद हुए हैं और उनको अभी इस बार देश में कितने शहीद हुए थे? इस बार देश में पूरे जो टोटल शहीद हुए थे 264 की संख्या थी, और जिनका नाम साल भर में जो शहीद हुए उनका नाम पाठन किया जाता है। हमारा हम लोग सभी इस साल भर में जो शहीद हुए उन जवानों और इसके अलावा जो अब तक हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए जो सभी जो समान हुए सभी को हम श्रद्धांजलि देते हैं। एक शहीद जवान की माँ है जो 15 साल से भटक रही है अपनी बेटी को अनुकंपा लगाने के लिए, वो मैटर एक्चुअली जम्मू कश्मीर से है और सैनिक कल्याण बोर्ड पे कुछ रखा हुआ, कलेक्टर साहब बता रहे थे, तो उस विषय में कलेक्टर साहब पूरी डिटेल बताएंगे। वो मेरे से मत पूछो, अपन नाम जोर से बोल, निर्मला कहाँ रहता है? अच्छा, आपकी जो लड़का है वो कहाँ पोस्टिंग हुई से और वो अभी तक भी कहाँ हुई? वो बोल तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में शहीद हुई से। तो एक लिए काका आवेदन लगा हुआ का चीज पर? मैं बेटी के लिए आवेदन भारत हूँ नौकरी के लिए। कितने साल हो गए? मैं बहुत 15 साल हो गए आवेदन दे होते, लेकिन कुछ नहीं होते। आवेदन वहाँ बिलासपुर भी चले गई हूँ और रायपुर देते देते थक गया हूँ और कलेक्टर का भी देते देते थक गया हूँ। आवेदन देते जाता हूँ लेकिन कुछ नहीं करते कलेक्टर भी। अभी मिली तक बोली से? अभी वही फिर दे आवेदन। अच्छा। बोले है? अब बोले नहीं है लेकिन पता नहीं करी या नहीं करी, वो उकरे पर ही कलेक्टर ऊपर। लगातार अपेक्षाएं किए जा रहे शहीद पर, क्या कहना है? हमारे धमतरी जिले में सेना के मात्र 3 शहीद हैं। शासन के द्वारा बिल्कुल निश्चित किया गया है कि जो भी शहीद होंगे उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति राज्य शासन के द्वारा दिया जाएगा।
तीन शहीद है, तीनों शहीद को आज तक 15 साल से भी अधिक हो गए, आज तक तीनों परिवार को भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिला है। इसी सिलसिले में लगातार हमने लगभग 7-8 साल से जब से हमारा संगठन धमतरी जिले में बना है, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन तीनों शहीद परिवार के सदस्य को, एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, मगर अभी तक नहीं मिला। आज जो केसेस जो यहाँ पे हमें देखने को मिला वो ग्राम भवरमरा के शहीद केशव निषाद की माता जी के द्वारा आवेदन दिया गया। इनकी भी आवेदन 2006 में शहीद हुए थे केशव निषाद जी, और अभी तक उनको नौकरी नहीं मिला गया। उनके परिवार को, उनकी बहन को नौकरी के लिए 2014 से प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के द्वारा भी पत्र आने के बाद भी कहीं न कहीं शासन प्रशासन के द्वारा इसको उपेक्षा किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमने कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से निवेदन किए कि अति शीघ्र इनके परिवार के एक सदस्य को एक सरकारी नौकरी उपलब्ध कराया जाए।